सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ लाइव होने वाली है। तो इन दिस चैप्टर हम देखने की कोशिश करेंगे, कि किस तरीके से सुरक्षा के अलग अलग दो तरीके होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी के बिहाफ पे हमें दो डिफरेंट वेज देखने को मिलेंगे, दो डिफरेंट रास्ते हैं जिससे हमें यह समझ में आएगा कि कोई भी नेशन कौन कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहा है और डिफरेंट वे पे अपने सिक्योरिटी के हिसाब से कर सकता है। और फिर हमने सिक्योरिटी के बिहाफ पे हम हाईलाइट करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके हिसाब से कोई भी नेशन आपस में मिलके सिक्योरिटी को ठीक कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि महामारी, ये भी एक सिक्योरिटी रीजन के बिहाफ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे फैल जाती है। और यहाँ पे अगर सारी कंट्री आपस में मिलकर कोई फैसला ना ले तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं आप ये भी एक सिक्योरिटी का हिस्सा बन सकता है। ओके, तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, थोड़ा सा आपको लाइटली बताने की मैं कोशिश करूंगा, ज्यादा नहीं। तो व्हाट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी असल में होता क्या है? देखिए, सिक्योरिटी का मतलब सिंपल शब्दों में ये हो गया कि सुरक्षा का मतलब हो गया खतरा से मुक्ति होना। मतलब एक होता है ना कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उस बंदे को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है तो सिक्योर है वो बंदा। आज के डेट में आप जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं या आप जहां पे रह रहे हैं, अगर आप वहां पे सिक्योर हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है, दैट मींस आप सिक्योरिटी में या सिक्योर यानी कि सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, है ना? जी रहे। ऐसा ही सेम अगर हम कंट्री को देख लें तो कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार के दंगे, फसाद, कोई बीमारियां, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या कोई ऐसा सेपरेट मूवमेंट, सिविल वॉर, ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही है तो उसे हम सिक्योर कंट्री या सिक्योरिटी के बिहाफ पे हम सिक्योर बोल सकते हैं। बट हमें जानना क्या है, हमें जानना यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि ऐसी सिचुएशन जो किसी भी थ्रेड को खत्म कर रही हो, बस किसी भी क्या कहते हैं, खतरे को खत्म कर रही हो, तो उसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। दोस थिंग दैट इज थ्रेड कोर वैल्यू शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग ऑन द इंटरेस्ट इन डिस्कशन ऑफ द सिक्योरिटी। जिन चीजों से बुनियादी मूल्य को खतरा होता है उसे उसे उन्हें सुरक्षा की चर्चाओं में रुचि रखने वाला जानना माना जाना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज हो सकता है। आप जैसे कि मान लीजिए कि आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, बट हेल्दी लाइफ में आपको खाने को ढंग से नहीं मिल रहा है, केमिकल चीजें उसमें मिली हुई है, तो ये एक मैं कह सकता हूँ कोर वैल्यू को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें सिक्योर रहने की जरूरत है, यहाँ पे भी हमें सिक्योर रहने की जरूरत है, तो यहाँ पे भी हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो सेम इस चैप्टर में हम डिस्कस करने की यही कोशिश करेंगे। तो खतरा कैसा भी हो सकता है लेकिन डिपेंड करता है वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है। अब कोरोना काल में क्या कहते हैं, कोरोना काल में इतने सारे लोग मर गए, अभी भी तो एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी कि हमने देखा कि यार यहाँ पे तो हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हमें इसमें काम करना चाहिए, मेडिसिन बनानी चाहिए, जब जाके ही हमारा देश कुछ कर पाएगा या हम लोगों को बचा पाएंगे, है ना? तो ये सिक्योरिटी भी आप हो गया। अब पूरी बुक के अंदर धारणा यानी कि नोशन, दो नोशन बताए हुए हैं, पारंपरिक ट्रेडिशनल बिहाफ पे और ये है गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल बिहाफ पे। मतलब हमारे पास जो खतरे होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, ऐसे खतरे जो हमें पता है होने ही होने होते हैं और उसके लिए हम कदम उठा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं नॉन ट्रेडिशनल बेस पे जो बिना बताए आ जाते हैं, जिनका हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस बुक के अंदर ब्रॉडली, पूरी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कहते हैं, यही दो के ऊपर डीपली डिस्कस करवाया गया है और आपको बताया गया है कि सुरक्षा की अवधारणा में किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी गांव को, किसी
भी सिटी को दो ही टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो है ट्रेडिशनल नोशन और उसके बाद है नॉन ट्रेडिशनल नोशन। पेपर के अंदर इन दोनों में डिफरेंट पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपसे यही पूछ लिया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं तो हम इनका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल नोशन के भी दो पार्ट होते हैं। ट्रेडिशनल नोशन किसी कंट्री के अंदर बाहर से भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जो पता ही है सभी को, और दूसरा अंदर किसी कंट्री के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है तो उससे हमें, उस खतरे से हमें बचना होता है, तो उसे हम इंटरनल बोलते हैं। तो इंटरनल ट्रेडिशनल बेस्ड नोशन और एक्सटर्नल ट्रेडिशनल बेस्ड नोशन हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हर साल आती है, बता के आती है, और इसके समाधान के लिए, इससे सिक्योर रहने के लिए कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर हमें क्या करना चाहिए और हम लोग क्या करने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं बाहरी खतरा, यानी कि ट्रेडिशनल बिहाफ पे अगर हम बाहरी खतरे की बात करें तो कुछ भी हो सकती है। देखिए, ग्रेटेस्ट डेंजर टू द कंट्री फ्रॉम इट्स मिलिट्री थ्रेड फ्रॉम द अनदर कंट्री। सब लोगों को पता है कि हम लोग अपने किसी पड़ोसी मुल्क की सीमाओं को नहीं चुन सकते, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हम अपने दुश्मन बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, पर देश की सीमाओं के उस पर रहने वाले कंट्री को नहीं बदल सकते। तो इसीलिए हमें हमेशा सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से जो बाहरी खतरा रहता है वो हमेशा यही रहता है कि दूसरी कंट्री कोई ना कोई मिलिटेंट अपनी कंट्री में भेज देंगे, जैसे पाकिस्तान और चाइना करता रहता है। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि हम किस तरीके की सैन्य कार्रवाई करें, क्योंकि मिलिट्री एक्शन थ्रेट्स कोर वैल्यू ऑफ सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। आपको पता है कि मिलिट्री एक्शन किसी दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को, यानी कि संप्रभुता को, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता को, आम सिटीजन के जीवन को, सबको नुकसान पहुंचाता है। और ये हमें पता है, ये पारंपरिक है, ये होता ही रहता है, ये हर कंट्री के साथ है। इसराइल और फलस्तीनों के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अब तो अफगानिस्तान के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये एक ट्रेडिशनल बेस्ड प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी लोग आ गए तो पाकिस्तानियों को दिक्कत भी हो सकती है, इन फ्यूचर हमें भी दिक्कत हो सकती है, या उनकी बाउंड्री से टच में जो कंट्री है उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मिलिट्री एक्शन जो है वो ट्रेडिशनल बेस्ड खतरा है जो होता ही रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिस्पॉन्स को खत्म करने के लिए या तो हम सरेंडर कर दें, क्योंकि अगर कोई कंट्री हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो हम सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर हाथ खड़े कर दीजिए, भैया हमारे बस की नहीं है, हम अपने देश को नहीं बचा सकते हैं। और या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सिंपल सी बात है, आप उस कंट्री को बोल सकते हैं आप अगर युद्ध हार गए हैं तो कंट्री कहती है कि सारा खर्चा भाई आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। और या ये हो सकता है कि युद्ध लड़ने तक लड़ते रहो। अब युद्ध लड़ने तक अगर लड़ते रहोगे तो उतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उतना इक्विपमेंट होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, उतना असला बारूद होना चाहिए, और ऐसे जवान होने चाहिए, विक्रम बत्रा जैसे जवान होने चाहिए जो पारंपरिक प्रॉब्लम्स को, मतलब इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो सरेंडर करो या लड़ो, या तो वॉर से रिलेटेड जो भी खर्चा है दूसरी कंट्री को दो। तो इसीलिए क्या कराता है ज़्यादातर कंट्री ये करती है कि वॉर ही ना हो, इसीलिए वो क्या कहते हैं, युद्ध को सीमित करने के लिए और युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश करती है, इसलिए सरेंडर तो कोई विकल्प बचता नहीं है। इसीलिए नेशनल लेवल पे, नेशनल पॉलिसीज के हिसाब से वो दूसरे हथकंडे अपनाने की कोशिश करती है। अगर हमें अपनी सिक्योरिटी को अच्छा मजबूत करना है तो देखो, वॉर एक ऑप्शन नहीं है। आप एक गाल पे मारेंगे दूसरे गाल पे खाने के लिए तैयार हैं, तीसरे पे मारोगे चौथे पे खाने के लिए तैयार हैं। गांधी जी का यही कहना था कि अगर कोई इंसान एक आंख फोड़ता है और आंख फोड़ने के चक्कर में दूसरा बंदा भी आंख फोड़ने के लिए तैयार है तो ऐसे पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। तो ऐसा ही सेम क्या कहते हैं, अगर एक कंट्री वॉर करने के लिए तैयार है और दूसरी कंट्री भी वॉर करने के लिए तैयार है तो यहाँ पे एक कंट्री हारेगी और एक कंट्री जीतेगी। लेकिन हर कंट्री कोशिश करती है वॉर ना हो, नेगोशिएशन हो जाए और युद्ध की सीमाएं, मतलब युद्ध की लिमिटेशंस कम हो जाए। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे हम पावर बैलेंस करने की हमेशा सोचते रहते हैं। पावर बैलेंस आपने देखा होगा, यूएसए और यूएसएसआर कभी आपस में लड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा पावर बैलेंस करके रखा। पावर बैलेंस क्यों करके रखा? क्योंकि लॉजिक ऑफ डेटरेंस हमेशा रहा। उन्हें पता है कि यूएसए पे अटैक करेंगे तो यूएसएसआर उड़ा देगा, यूएसएसआर पे अटैक करेंगे तो यूएसए उड़ा देगा। इन दोनों के पास इतने बम थे कि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे। वो इसी वजह से आपस में एक दूसरे से कभी लड़ते ही नहीं थे और 45 साल तक वो आपस में कभी एक दूसरे से लड़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से एक दूसरे को उड़ा सकती है। दैट इज
है बैलेंस बनाने की कोशिश करी जाती है। मतलब अगर हमें ट्रेडिशनल बेस पे सीमाओं के ऊपर अगर खतरा है तो हमें इतना बम बना के रख लेना चाहिए, कहने का मतलब गवर्नमेंट वर्क ऑन हार्ड टू मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर विद अदर कंट्री स्पेशली विद नेबरिंग कंट्री। हाँ देखते हैं ना कि भाई चाइना ने परमाणु विस्फोट कर दिया, न्यूक्लियर बम बना दिया, पाकिस्तान ने बना दिया, तो हमने भारत ने क्या कहा, भैया हमें ही बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देशों के पास क्या कहते हैं अपना खुद का मिलिट्री पर्सनल है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसके बाद कॉम्पैक्ट टैंक है, नेवल एसेट है, तो सिंपल सी बात है हमें भी बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो हम रुके नहीं, हम हर चीज में पाकिस्तान से आगे हैं। इसे बोलते हैं पावर बैलेंस का होना। तो इसीलिए बिल्डिंग द मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर इज इंपॉर्टेंट टू दिस रिगार्ड। अगर पावर बैलेंस बनाना है, ट्रेडिशनल बेस पे एक्सटर्नल प्रॉब्लम को रोकना है, तो पावर बैलेंस बनाना जरूरी होता है। यानी कि आप शक्ति का संतुलन बनाइए, कोई भी कंट्री आपको क्या कहते हैं वॉर की ललकार नहीं दे सकती, समझ रहे, कोई भी कंट्री आपसे फालतू नहीं बोल सकती है। तो इसीलिए एक तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा आपको लगता है कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते तो आप गठबंधन बनाइए, आप अलायंस बनाइए। अलायंस कहने का मतलब ये हो गया आप दूसरी कंट्री के साथ कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन कर लेंगे तो वो कंट्री आपके साथ मिलिट्री अटैक में आपकी मदद कर देगी, है ना, ये हो सकता है। तो अलायंस को इंक्रीज करिए, आपके किसी भी कंट्री को क्या कहते हैं इफेक्टिवली वो स्ट्रांग करेगा, और यहाँ पे अलायंस अगर रहेगा तो आपका अपने हिसाब से नेशन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको फायदा होगा। तो ये एक फायदा है अगर आप अलायंस बिल्ड करेंगे, जैसे कि नाटो बनाया अमेरिका ने नाटो बनाया, फिर सीटो बनाया, फिर सेंटो बनाया, ऐसे यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बना दिया, अलायंस बनाए ना। मतलब वो कलम वाली बाई कहती थी कि एक 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 भाले को तोड़ना तो बहुत मुश्किल आसान है, लेकिन जब सारे साथ में मिल जाते हैं तो उसको तोड़ना बहुत क्या कहते हैं मुश्किल होता है ना। तो ये क्रांतिवीर का डायलॉग में नाना पाटेकर जी ऐसा बोलते हैं, तो सेम अलायंस की बात यहाँ पे भी हो रही है। तो नो एक्नॉलेजमेंट सेंट्रल अथॉरिटी इज रेगुलेटेड थ्रेड ऑफ सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री अगर आप किसी के साथ अलायंस में नहीं हो तो आपको लगता है कि दूसरे जो बड़े बड़े अलायंस होते हैं वो आपको बचा लेंगे। क्या यूएन ने हमेशा आपकी मदद करने के लिए आएगा? ऑफकोर्स नहीं आएगा, हमेशा इफेक्टिवली यूएनओ काम नहीं करेगा, यूएनओ के पास और भी काम है। यूएनओ के अंदर यूएसए की चलती है, यूएनओ के अंदर फ्रांस की चलती है, चाइना की चलती है, उससे तो यूएनओ कभी फालतू बोल ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे फिर आप कैसे करेंगे? इसलिए हर किसी कंट्री का अपना खुद का पर्सनली क्या कहते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी कंट्री के अपने पास खुद की होती है। ओके ठीक है, तो ये सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले ऐसे कौन से और क्या कहते हैं रीजन हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं, यानी कि फैक्टर हो सकते हैं जो किसी भी देश के लिए इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बट इस वीडियो के पार्ट में हम अब आंतरिक सुरक्षा के धारणा यानी कि वो सोचने की या देखने की सॉरी कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया, जब भी आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। सो देयर इज अ सेकंड पार्ट, अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आपको पता हो हमने वर्ल्ड वाली बुक के अंदर काफी कुछ समझ लिया था, और हमने कहा था कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अगर हम देखें तो यूएसए और यूएसएसआर ही मोस्ट पावरफुल नेशन थे, और ये लगभग क्या कहते हैं 1945 से लेकर 1991 तक चला था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जितने भी नेशंस थे सम ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक यूरोप एंड द यूरोप पावर बिकम द मेंबर ऑफ कोल्ड वॉर अलायंस। अगर आप देखने की कोशिश करें तो यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रियां थी जो उस टाइम पीरियड के अंदर कोल्ड वॉर अलायंस में बट गई थी, और इवन क्या कहते हैं आपकी जो नॉन डेवलपिंग कंट्रियां थी जो ड्यूरिंग दिस पीरियड में आजाद हो रही थी बेचारी, उन्हें भी किसी ना किसी इसका हिस्सा बनना पड़ गया था, है ना, किसी ना किसी इनका हिस्सा बनना पड़ गया था। लेकिन वो तो अच्छा ये है कि नेहरू जी ने नेम दे दिया था, और नेम की वजह से ये थर्ड ऑप्शन बन गया था, और बहुत सारी कंट्रियां जो थी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो कह सकते ये है कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अगर हम देखें तो टू सुपर पावरफुल नेशन जो है मोस्ट ऑफ द वॉर यानी कि 1/3 अगर वॉर अगर कहीं पे भी हुए होंगे, कहने का मतलब 1/3 वॉर कहने का मतलब ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे अगर 1/3 वॉर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्रियां एंगेज हो रही होंगी वॉर में, तो यहाँ पे टू सुपर पावरफुल नेशंस की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। मतलब कहने का मतलब ये दोनों कंट्रियां तो आपस में कभी नहीं लड़ी, लेकिन इनके साथ जो अलायंस में कंट्रियां थी ना अगर वो आपस में लड़ रही हैं तो यहाँ पे कोल्ड वॉर ही एकमात्र ऐसा रीजन बोला जाता है जिसकी वजह से क्या कहते हैं कोल्ड वॉर हो रहा होगा, और उसके वजह से जो छोटी कंट्रियां होंगी बेचारे उनको बाहर की प्रॉब्लम यानी कि जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो रही थी दूसरी कंट्रियां वॉर में इन्वॉल्व हो रही थी वो कंट्रियां आपस में लड़ रही थी, तो एकमात्र शीतयुद्ध इसमें रीजन माना जा सकता है। लेकिन ये तो हमने एक्सटर्नल के अंदर देख लिया था, लेकिन इंटरनल के अंदर भी जो बेचारी डेवलपिंग कंट्रियां थी जो डेवलप हो रही थी उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और जो समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा था वो हमें अभी इंटरनेशनल सिनेरियो में हर एक कंट्री को हम देख सकते हैं। मतलब कि
जो यूरोपियन कंट्रियां हैं, यूरोपियन कंट्रियां, उन्होंने तो आफ्टर कोल्ड वॉर अगर देखे हम लोग, तो आफ्टर कोल्ड वॉर उन कंट्रियों ने पूरी कोशिश करी है कि अपनी कंट्री के अंदर वाले हिस्से में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का रीजन या तो आउट ऑफ द कंट्री से आ सकता है, और आउट ऑफ द कंट्री से आ सकता है तो वो हमने पहला देख लिया था, और उसके बाद कंट्री के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उस कंट्री को अपनी कंट्री के अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पहले ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो दूसरी कंट्री से युद्ध लड़ना चाहता है और अपनी ही कंट्री के अंदर क्या कहते हैं उसको दिक्कत है, तो वो युद्ध नहीं लड़ सकता। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड आफ्टर कोल्ड वॉर पूरी तरीके से अपने इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी थी। तो ऐसा ही हमें भी करना पड़ेगा, सेम ट्रेडिशनल नोशन हमें भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन डेवलपिंग कंट्रियां हैं, मतलब जो डेवलप भी नहीं हुई है, उन कंट्री के अंदर नॉन डेवलप होने का एक रीजन ये भी माना जा सकता है कि उनकी कंट्री के अंदर ही इतने सारे डिस्प्यूट बने रहते हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल लेवल पे वॉर वॉर की लड़ने के लिए सोचते ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आंतरिक 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 प्रॉब्लम जो सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है, तो यहाँ पे नंबर वन है आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट। मतलब किसी कंट्री के अंदर अलगाववादी आंदोलन चलता है रही अगर, तो सोचिए उस कंट्री की पूरी तरीके से राजनीति, पूरी तरीके से सरकारें, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उसी में लग जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए असम में बोडो जाति है जो पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि वो पूरी तरीके से असम से अलग हो जाए। वैसे भी असम के अंदर, असम पहले पूरा इतना बड़ा स्टेट हुआ करता था, उसमें से 7 राज्य निकल गए, अब असम के अंदर से बोडो लैंड भी एक अलग सेपरेट अलगाववादी मांग कर रहा है कि हमें भी अलग करा जाए। तो ये आंतरिक आंतरिक मैं कहता हूँ अखंडता को, इंटीग्रिटी को, या सिक्योरिटी को खतरा है अगर ऐसी चीजें होती हैं। तो अलगाववादी मूवमेंट तो भाई सिंपल सी बात है, नक्सलवादी मूवमेंट भी अलगाववादी मूवमेंट है। दूसरा टेररिज्म, आतंक अभी किस तरीके का भी हो सकता है, कश्मीर के अंदर मिलिटेंट जो है जिनको पाकिस्तान फंडिंग करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक आतंक का ही समय। कभी कभार तो वहां स्कूल बंद हो जाते हैं, कभी कभार वहां पे मतलब सिमी बंद कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है कश्मीर के अंदर, तो वो एक आतंक का माहौल है, तो ये भी एक आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। उसके बाद क्या कहते हैं रीजनलिज्म, रीजनलिज्म का मतलब क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद मतलब पंजाब अपना गुणगान कर रहा होता है, हरियाणा अपना गुणगान कर रहा होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं यूपी अलग गुणगान कर रहा होता है, एमपी अलग कर रहा होता है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र वो अलग ही चौड़ में चल रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी स्टेट में भी बगावत चलती रहती है, यहाँ पे दिल्ली अलग ही अपनी कहानी बनाता रहता है ना। तो ये है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यूपी बिहार के लोग काम करने की तलाश में दिल्ली जैसे प्लेसेस पे आते हैं और क्या कहते हैं खुद मुंबई चले जाते हैं, तो वहां के लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि आपने अपना स्टेट इतना डेवलप क्यों नहीं करा कि आपको काम करने के लिए किसी दूसरी प्लेस पे जाना पड़ रहा है, तो इसे हम क्षेत्रवाद एक समस्या कहेंगे। दूसरा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता होगा जातीय संघर्ष, जातीय संघर्ष जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका के अंदर तमिल लोगों के बीच में और सिंघला लोगों के बीच में, सिंघली लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी जातीय संघर्ष की। ऐसे हमारे इंडिया के अंदर हिंदू और पाकिस्तान के बीच में कई सालों से ये जातीय संघर्ष चलता आ रहा है, तो जाति को लेकर संघर्ष चलते रहना तो वो भी एक सिविल वॉर का रीजन हो सकता है। फिर दूसरा धर्म के नाम पर झगड़े होना, वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये सरकार जो वोट लेती है तो हमेशा धर्म के नाम पर ही वोट लेने की कोशिश करती है, तो ऐसी चीजें जो है हमें देखना पड़ेगा। और अदर में तो फिर बहुत सारी चीजें आती है, मतलब कि इंटरनली बिहाफ पे अगर किसी कंट्री को अगर दिक्कत है तो वो इन सभी चीजों पर फोकस कर सकती है, इन सभी चीजों पर काम करेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आंतरिक असुरक्षा हो रही है हमें वो इन सभी रीजन से हो रही है, और सरकार को ज्यादातर अपना क्या कहते हैं मूवमेंट, पैसा, समय, सब कुछ इन चीजों पे लगाना पड़ जाता है। ओके, क्लियर है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बिहाफ पे ये देखा गया है कि कुछ कोऑपरेशन को कंट्रियां अपना सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए अगर असुरक्षा बन रही है, अगर एक कंट्री बी कंट्री के लिए असुरक्षा बन रही है, क्योंकि बाहरी अटैक जो है बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बाहरी अटैक के लिए सभी कंट्री को कुछ ना कुछ लिमिटेशन या टर्म्स बनाना जरूरी है, क्योंकि आंतरिक समस्या तो सरकार झेल लेती है, आंतरिक समस्या तो सरकार पूरी तरीके से कोशिश करती है कि उसका समाधान किया जा सके, और वो समाधान कर भी रहेगी, घर के अंदर की बात है ना, तो वहां सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक ही करती रहेगी तो वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वहां लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी, मतलब हर किसी कंट्री को किसी लेवल पे आके रुकना जरूरी है, इसलिए वॉर मस्ट ऑल्सो बी लिमिटेड इन द टर्म ऑफ मीन्स दैट वी आर यूज, मतलब कि हमें किसी टर्म में समझना पड़ेगा। नंबर आर्मीज मस्ट नॉट अवॉइड किलिंग एंड हर्टिंग, मतलब मस्ट अवॉइड, मतलब आर्मीज जो होती है उनको, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर जब अटैक कर रही होती है तो उसको हमेशा जान से मारना और प्रताड़ना देना, इससे बचना पड़ेगा आर्मीज को। दूसरा नॉन कॉम्बैक्ट वॉर्स एज वेल एज, मतलब
अनआर्म्ड और उसके बाद नॉन कॉम्बैटमेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश के पास या कोई निहत्ता बंदा, आर्मी का बंदा जिसके पास बम नहीं है, रिवॉल्वर नहीं है, पिस्टल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उस पर अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा अपने आप को सरेंडर कर रहा है तो आप उसको जान से नहीं मारेंगे। तो ऐसा कुछ हमें क्या कहते हैं तरीका निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ हमें तरीका निकालना पड़ेगा अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है सैन्य, क्योंकि एक्सटर्नल में तो यही प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक्सटर्नल ये प्रॉब्लम हो सकती है तो एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करे तो कुछ रूल और कायदे कानून के हिसाब से ही उसे काम करना चाहिए। एग्जांपल के लिए महाभारत का युद्ध देख लीजिए, सभी को बताया कि जब भी क्या कहते हैं युद्ध टलता है शाम के टाइम पीरियड में, तो कभी भी शाम के बाद कोई वॉर डिक्लेयर नहीं होता है। दूसरा युद्ध की रणनीति यही होता है कि निहत्ते पे कभी भी वार नहीं किया जाता है। तो कर्ण के ऊपर अर्जुन ने अटैक करा था लेकिन वो निहत्ता था उस टाइम पीरियड में, तो वहां पे एक लौह तोड़ा गया था। तो यहाँ पे भी अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहते हैं हमारे देश का एक बंदा था जो दूसरी कंट्री के अंदर चला गया था गलती से, और वो बहुत वायरल हुआ था, और उसको हमने इस वॉर की पॉलिसी के तहत ही हमने उसे वापस बुलाया था, क्योंकि हमने कहा था कि कोई बंदा युद्ध के टाइम पीरियड के अंदर अगर निहत्ता है तो उसको मारा नहीं जा सकता है। तो वो कौन बंदा था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आई थिंक आपको पता होगा बहुत फेमस था एक टाइम पीरियड के अंदर ये बंदा। तो ये पॉलिसीज हमें अपनानी पड़ेंगी और कंट्रियां अपनाती हैं, और ये हमने रूल एंड रेगुलेशन बनाया भी हुआ है। दूसरा इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन है उसमें सपोर्ट द इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट अटेंड द वर्ल्ड पीस, मतलब कि जितनी भी कंट्रियां हैं उन्होंने वर्ल्ड की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन के हिसाब से कुछ कायदे कानून तय किए हुए हैं। और वो क्या क्या है, डिसआर्ममेंट कर सकते हैं वो लोग आर्म कंट्रोल्स कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा वर्ल्ड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। मतलब अगर हमें पारंपरिक धारणा को देखना है और हमें क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अगर युद्ध को खत्म करना है या अशांति जो पूरे विश्व में हो रही है अगर उसे खत्म करना है, तो हमें ट्रेडिशनल नोशन के अंडर में कुछ कुछ चीजों को अपना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैं एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर वन है यहाँ पे डिसआर्ममेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में निशस्त्रीकरण। सभी राज्यों को कुछ ऐसे प्रकार के हथियार को छोड़ देना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा घातक वाले हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन जो था 10 अप्रैल 1992 के अंदर लंदन, मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी के अंदर साइन करा गया था। 22 स्टेट्स ने इस पे साइन करा था स्पेशली, मतलब 22 स्टेट रुक गए थे लेकिन 109 स्टेटों ने स्पेशली इस पे साइन कर दिया था, और ये कहा था कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। तो जितनी भी आपको ग्रीन में कंट्रियां दिखाई दे रही है उन्होंने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया था कि भाई हाँ ठीक है हम बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे 1972 के अंदर, मतलब हम डिसआर्ममेंट कर देंगे, हम ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जो पूरी तरीके से रासायनिक या जैविक हथियार होंगे, मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जो होंगे हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बायोलॉजिकल वेपन जो था वो 19 क्या कहते हैं आपका बायोलॉजिकल वेपन साइन हुआ था 1972 के अंदर, और उसके बाद केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो हुआ था वो 1992 के अंदर हुआ था। मतलब ये कहा गया था कि ये कंट्रियां पूरी तरीके से इन बमों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि दूसरी कंट्री को अश्योरिटी हो जाएगी कि इन कंट्री के पास ऐसे बम नहीं है जो पूरे के पूरे विश्व को या पूरी की पूरी जाति को खत्म कर देगा, है ना। तो इसीलिए हालांकि इस पे क्या कहते हैं अमेरिका ने सोचा था, यूएसए ने सोचा था, यूएसएसआर ने सोचा था, इस पे साइन नहीं किया गया था। अब जब इस पे साइन नहीं किया गया था तो फिर वहां नोटिस करने वाली बात यह है कि उन्होंने फिर किस पे साइन करा, डिसआर्ममेंट के ऊपर। देखो हमारा इंडिया तो यही कहना चाहता था कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन पे बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं, उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाया था हमारी कंट्री ने खुद, उसके बाद केमिकल वेपन्स भी नहीं बनाया था, और हमने तो ये कहा था कि सभी कंट्रियां पूरी तरीके से ये बम इस्तेमाल करना छोड़ ही दे, हम सभी से ये दरख्वास्त करते थे। लेकिन जब दूसरी कंट्रियां बनाने लग गई थी, न्यूक्लियर टेस्टिंग करने लग गई थी, तो तब जाके हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी। तो ये केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं जिसका इस्तेमाल डिसआर्ममेंट के तहत किया गया था, और लेकिन यहाँ पे यूएसए और सोवियत यूनियन ने इस टाइप के क्या कहते हैं वेपन्स को छोड़ने से मना कर दिया था। लेकिन उन लोगों ने ये कहा था कि हमें न्यूक्लियर वेपन वो हम रख सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के लिए एंटिक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ये साइन करा था 1972 के अंदर। इसमें क्लियर कट ये बोल दिया गया था इन लोगों के द्वारा 1972 के बाद कि एंटिक बैलिस्टिक मिसाइलें जो होंगी ना वो पूरी तरीके से इसीलिए, मतलब इन्होंने इसके ऊपर साइन इसलिए करा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अब ज्यादा हथियारों का जो मतलब मिसाइलें हैं उनका डेवलपमेंट कम कर देंगे और उसके बाद हम उस पर रोक भी लगा देंगे, है ना। तो ये एक अच्छा किया था उन्होंने, जैसा कि आपने क्या कहते हैं चैप्टर फर्स्ट में कोल्ड वॉर के ऊपर पढ़ लिया था, स्टार्ट वन और एनपीटी आपने पढ़ा था मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी थी एलटीबीटी और एनपीटी ये साइन करे गए थे अमेरिका के द्वारा यूएसए
के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा, और इन्होंने पूरी तरीके से ये रेक्टिफाई कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि अब जिन कंट्रियों के पास बम है वो लिमिट कर देगा, वो अब क्या कहते हैं बम नहीं बनाएगा, जिन कंट्रियों के पास बम है अब वो इन बम को नहीं फैलाएगा, यानी कि अमेरिका भी नहीं फैलाएगा। तो ये संधियां इसलिए करी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा, कोई बंदा अगर क्या कहते हैं डिसआर्मेंट भी नहीं करना चाहता है, डिसआर्मेंट भी कर रहा है और उसके बाद क्या कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जैसे उसको रोकने पे बोल रहा है कि मैं रोक भी दूंगा, तो वो एक और चीज कर सकता है, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मतलब विश्वास, विश्वास निर्माण करना। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर ये पूरी तरीके से साथ देती है कि वो क्या कहते हैं कंट्री के स्पेशली आइडियाज और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे कि मिलिट्री से रिलेटेड और कोई क्या कहते हैं दूसरी कंट्री, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो रही थी, ठीक है एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की लड़ाई इन फ्यूचर 2025 में जाके हो, सपोज मान लो अगर होती है तो यहाँ पर इंडिया के जिससे अच्छे रिलेशन होंगे, जैसे फ्रांस है, रशिया है, और इनके जिससे रिलेशन होंगे सी से चाइना है, इनसे अगर अच्छे रिलेशन होंगे तो फ्रांस और रशिया इंडिया से कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग के तहत, विश्वास निर्माण के तहत इन्फॉर्मेशन और मिलिट्री की जितनी भी सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान की जितनी भी चीजें वो इंडिया को शेयर करेगी। तो ऐसे भी इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कहते हैं चीजें करते हैं और हम कर सकते हैं। तो इट इज अ चेक, इट्स चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसपरसेप्शंस, मतलब ये इसलिए ही करा जाता है ताकि अगर कोई वॉर हो रहा हो तो क्लियर कट पता चल जाए कि वॉर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वॉर के अंदर किसको कितना नुकसान होगा, किसको कितना नुकसान नहीं होगा, ये चीज बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो इसीलिए कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग होता है जिससे पता चलता है कि वॉर लड़ने का फायदा होगा या नहीं होगा या किसी देश को कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल वे अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस है, क्योंकि देखिए नॉन ट्रेडिशनल गैर पारंपरिक धारणा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बिना बताए आ जाती है। मान लीजिए कोरोना वायरस क्या बता के आया था, ऑफकोर्स नॉट, तो वो ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि ह्यूमन यानी कि मानव जाति को सिक्योर करने के लिए होता है, और उसके बाद ग्लोबली सिक्योरिटी यानी कि ग्लोबली पूरे नेशन को सिक्योर करने के लिए होता है। तो कहने का सिंपल और सरल शब्दों में मतलब ये है कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन जो है वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी आपदा को खतरा पहुंचाने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल नोशन के अंदर हमें दो ही चीजों पर फोकस करना होता है, एक है हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी और एक है हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी। इस चीजों पे हम फोकस करते हैं और हम समझते हैं कि हाँ भाई ये चीजें जो है हमें इन पे फोकस रखना चाहिए। सो बेसिकली सिक्योरिटी के अंदर तीन मेन क्या कहते हैं चीजें फोकस करी जाती है कि व्हाट इज बीइंग सिक्योर, मतलब सिक्योर करना किसको है। तो मैंने बता दिया कि ह्यूमन को सिक्योर करना है, ग्लोबली बेस पे देशों को, कंट्री को सिक्योर करना है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ द थ्रेट, अगर थ्रेट हो भी रहा है तो थ्रेट किस प्रकार का हो रहा है, क्या टेररिज्म का हो रहा है, क्या न्यूक्लियर वेपन का हो रहा है, क्या क्या कहते हैं टेररिज्म के अलावा कोई हेल्थ केयर प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे जो बिना बताया जा सकती है, कोई ऐसा कि एकदम से किसी देश का इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है, तो ये है क्या थ्रेट, हमें थ्रेट को पता करना जरूरी है। और उसके बाद अगर हम इसे सिक्योर करना होगा तो हमारी अप्रोच क्या होगी, क्या कंट्री टू कंट्री लोग आपस में दूसरे की मदद करेंगे, ये अप्रोच ये रहेगी कि यूएनओ उसके अंदर आएगा मदद करेगा, या उस कंट्री को खुद सेल्फ ही अपने आप को क्या कहते हैं बनाना है या ठीक करना है। सो ऑल दीज वेरिएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड इन सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमें सिक्योरिटी के अंदर समझनी होती है ना। तो यही चीज है जो हमें आपकी बुक बताती है, बट बुक के अंदर सारी बातें समझ में नहीं आती है। सो दैट इज वाई आप ही पाठशाला चैनल को इतना प्यार देते हैं और चैनल की वीडियोस देखते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू। अब यहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी की बात आ रही है तो ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर डायरेक्टली फोकस होता है प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, मानव सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल मोर देन प्रोटेक्शन ऑफ अ स्टेट ह्यूमन बींग फेस्ड वायलेंट एंड नॉन वायलेंट थ्रेट दे शुड गेट फ्रीडम फ्रॉम व्हाट दे वांट फ्रॉम फियर। प्रोटेक्शन का मतलब होता है किसी भी स्टेट को प्रोटेक्ट करना, अगर किसी भी स्टेट को प्रोटेक्ट करा जा रहा है तो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के बाद हम पूरी तरीके से वहां के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जब लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो हम सिक्योरिटी के लिए उन लोगों को वो सारी चीजें मुहैया करा सकते हैं जिससे उनको आजादी मिले, या जो भी उनको खतरा है, डर है, उस डर या खतरे को ये लोग खत्म कर सके, और उसी के लिए हमें ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए फोकस करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभी तालिबानियों का सीन चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि तालिबानियों का सीन चल रहा है, तो वहां पे ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर कितना ज्यादा मतलब दिक्कत आ रही है, वहां पे भी लोग क्या कहते हैं अपने फ्रीडम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए हमारे सिक्योरिटी जनरल जो 7th नंबर पे यूएन के सिक्योरिटी जनरल थे, आप देख सकते हैं कॉफी अनन बोलते हैं इन्हें, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि प्रोटेक्शन का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटीज एंड द इंडिविजुअल फ्रॉम द इंटरनल वायलेंस। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है किसी कंट्री के अंदर जो इंटरनल वायलेंस बना हुआ है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, है ना। तो ये मेन उन्होंने बताया है,
कि हमें पूरी तरीके से किसी कंट्री के अंदर अगर कुछ भी चीज थ्रेड हो रहा है या कुछ भी लोगों को भुखमरी हो रही है या लोग मास किलिंग हो रही है, ह्यूमन सिक्योरिटी की पॉलिसी को किसी कंट्री फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम सारे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम सारे लोग उस कंट्री की मदद कर सकते हैं। तालिबानी पे क्या स्टेप होगा वो तो भगवान ही बताएगा कि मतलब कि क्या होने वाला है, भगवान क्या यूएनओ बताएगा या अमेरिका बताएगा, हमारी तो कोई प्रतिक्रिया भी रही नहीं उसमें। फिर है ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 1990 के बाद वैश्विक दौर स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ऑल यू नो दैट यूएसएसआर 1990 में खत्म हुआ, 15 कंट्रियां अलग से सीआईएस नेशन बना के फिर रही थी, और उसके बाद क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी। मतलब ये थी ग्लोबली प्रॉब्लम, ये एक देश की प्रॉब्लम नहीं थी, ग्लोबली प्रॉब्लम थी, और ये नॉन ट्रेडिशनल नोशन का एक हिस्सा है, और यहाँ पे पूरी मानव जाति इस पे इफेक्ट करती है, इवन पूरी कंट्री इस पे इफेक्ट करती है, जिसमें से है आपका ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ और एड्स जैसी बीमारियां या कोरोना जैसी बीमारियां, या मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, वो तो है ना, कुछ भी, वाटर लेवल का बढ़ जाना, या मैं कह सकता हूँ ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ जाना, ग्रीन हाउस गैसेस में छेद हो जाना, उनकी लेयर का पतला हो जाना, बहुत सारी मतलब ऐसे ग्लोबली इशू है ना, इन इशू को आप अपने बुक के अंदर, क्लास 12th की बुक के अंदर सारी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, बट वो तो बस बता रखा है आपको जितना ताकि आप समझ सके, लेकिन ग्लोबली इशू इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ ये है। एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश को ऐसा बताया गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो सी लेवल वाटर बढ़ेगा। सी लेवल वाटर अगर 1.5 या 2% भी बढ़ता है तो आप देख सकते हो कि बांग्लादेश का 20% हिस्सा पानी में ही डूब जाएगा। तो ये भी तो एक इंटरनेशनल इशू है। मालदीप, श्रीलंका, इंदिरा पॉइंट तो पहले ही डूब गया, तो जी ऐसी कंट्रियां तो पूरी की पूरी खत्म ही हो जाएंगी बुरी तरीके से। आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, श्रीलंका के कुछ हिस्से, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अगर ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर आप नोटिस करेंगे कि ये भी तो एक ग्लोबली इशू है, मतलब बहुत बड़ा इशू है। तो इनमें से सारे इशू तो नहीं पढ़ सकते हम लोग, लेकिन हम कुछ कुछ पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे द एलिमेंट्स, वही ये द है, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, दोनों के लिए फोकस करा जा रहा है, दोनों के लिए ही ऑफकोर्स हमें काम करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले न्यू सोर्स ऑफ थ्रेड आए, नंबर वन टेररिज्म। टेररिज्म का आपको पता ही है, टेररिज्म में क्या होता है, बेचारे जो सिविलियंस होते हैं वो टारगेट में आ जाते हैं, सिविलियंस के साथ बेचारे जानबूझ के इसमें पॉलिटिक्स खेलते हैं, अंदाजुन बेचारे जानबूझ के जो सिविलियंस होते हैं वो मारे जाते हैं, और जिसका जीता जाता है एग्जांपल हम 9/11 की घटना देख सकते हैं। टेररिज्म का जीता जाता है एग्जांपल जिसमें 9/11 की घटना में अमेरिका के होश उड़ा दिए इन लोगों ने, तालिबानी लोगों ने, कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि दुनिया की महान कंट्री जिसके 4 व्यवसाय के विमानों को कैप्चर करके, किडनैप करके, 19 किडनैपर्स थे और उन्हें किडनैप करके ये सीन कर दिया। तो सोचिए मतलब यहाँ पे एक न्यू थ्रेड है, ये टेररिज्म तो होता ही रहता है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, हर किसी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत देखा गया। मतलब पहला अगर देखा जाए, फर्स्ट टाइप राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में लोगों को बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इकट्ठा होने का अधिकार होना चाहिए, अगर किसी कंट्री में नहीं मिलता तो दिक्कत है, हमारी कंट्री को मिलता है। सेकंड नंबर पे इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स। थर्ड नंबर पे आपको राइट टू कॉलोनाइज पीपल ऑन एथिक्स एंड इंडिजिनियस माइनॉरिटीज, मतलब ये भी है कि यहाँ पे तीसरा अधिकार ये है कि अगर मान लीजिए आपने किसी कंट्री को गुलाम बनाया तो वहां पे भी आपको अधिकार लोगों को देने जरूरी है। अगर वहां पे अधिकार नहीं मिलते हैं लोगों को तो ये भी एक ग्लोबली लेवल पे बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ग्लोबली लेवल पे इस तरीके से आपको समझ में आ सकता है कि भाई ये पूरा का पूरा जो नेशन, पूरा का पूरा ग्लोब जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन से बहुत ज्यादा तंग है। मतलब एग्जांपल के लिए तालिबानी देख लो, नए कानून लेके आ गए हैं अपने खुद के, तो वहां पे तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है ना सॉरी तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, जिसमें से आपकी बुक में बता रखा था इराक इन्वेजन हुआ था, जब कुवैत को कैप्चर कर लिया गया था तो इराक के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ के अमेरिका ने मारा था, इवन 34 देशों ने मिलकर मारा था। तो सोचिए वहां पे भी तो वायलेशन कितना ज्यादा हुआ था। जिनोसाइड रवांडा के अंदर हुआ था, कई लाख लोगों को मार दिया गया था। उसके बाद ईस्ट तिमूर का हिस्सा था जिसमें इंडोनेशिया की मिलिट्री घुस गई थी और बहुत ही बड़े लेवल पे मास किलिंग करी थी। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो ये भी सिक्योरिटी को, या मैं कहता हूँ ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरा है। दूसरा, गरीबी। ये तो ऐसा है कि किसी कंट्री के अंदर एकदम से पैसा खत्म हो जाना, आप सभी लोगों को पता है कि श्रीलंका ने रिसेंटली अपने देश के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। एमरजेंसी डिक्लेयर करने का सिंपल सा मतलब यही है कि पैसा ही नहीं है गरीब भाई, पैसा नहीं है तो देश नहीं चलाया जा सकता। और वैश्विक गरीबी जो है ना, उसका जीता जाता एग्जांपल है किसी कंट्री के अंदर लो इनकम हो और हाई पॉपुलेशन हो, तो याद रखना उसका ग्रोथ रेट हमेशा पुअर से पुअर होता चला जाएगा। हमारी कंट्री पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, इनकम कम करते जा रही है, तो सोचिए यहाँ पे भी एक ना एक दिन ग्लोबल इशू, ग्लोबल पॉवर्टी का इशू जरूर आने वाला है। वैसे भी जीडीपी गड्ढे में जा चुकी है, तो सोचिए यहाँ पर ये इशू इंटरनेशनल इशू है और ये नॉन ट्रेडिशनल नोशन का हिस्सा है। अब मान लीजिए कोई कंट्री बहुत ही ज्यादा गरीब हो गई है, अफ्रीका के अंदर एक टाइम पे एक अंडा 300 रुपए का मिलता था, तो वो कंट्री के अंदर लोग जी ही नहीं पा रहे थे।
जब लोग जी नहीं पा रहे थे उस कंट्री में रहने का फायदा क्या, ऐसे लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। तो माइग्रेशन भी एक प्रॉब्लम है कि कोई कंट्री, मान लीजिए कि बांग्लादेश के कुछ लोग हमारे इंडिया के अंदर आ गए थे वॉर के टाइम पे 1971 के अंदर, तो उस टाइम पे तो हम लोगों ने उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि वॉर चल रहा था देश के अंदर और हम लोग अतिथि देवो भव, हम लोगों ने कहा कि ठीक है आइए रहिए, 80 लाख लोग लगभग डेटा था हमारे पास, पर वो प्रॉब्लम अलग थी। लेकिन आज के डेट में अगर कोई गरीबी की वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में निकलता है तो माइग्रेशन उसका एक ऐसा कारण बनता है कि लाखों लाखों लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अच्छी जीवन के लिए, अच्छे खाने के लिए, गुजर बसर के लिए पलायन कर जाते हैं। और ये डेटा आपकी बुक में दिया हुआ है कि कहाँ पे कितने परसेंट लोग गए हैं, माइग्रेट हुए हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। अब इन सारे इशूज को जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें इशूज देखने को मिलते हैं, इन सारे इशूज के अलावा भी हेल्थ एपिडेमिक यानी कि स्वास्थ्य महामारियां, और महामारी तो पता नहीं कितनी है, इबोला वायरस, अंता वायरस, कोरोना वायरस, एचआईवी एड्स, इसकी बीमारी आज तक नहीं बन, मतलब इसका सिस्टम आज तक नहीं बना है। ओनली पीपल आर सेइंग यूजिंग कंडम समथिंग एल्स, बट किसी को एड्स हो गया तो 10 से 15 साल उसकी एज होती है, उसका भी कुछ नहीं बना। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो हमें क्या कहते हैं इस एपिडेमिक से बचने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। कोरोना वायरस के लिए हमारी कंट्री के अंदर मेडिसिन बन सकती थी लेकिन हमारी कंट्री को अलाउ नहीं करा गया मेडिसिन बनाने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब नॉन ट्रेडिशनल नोशन के अंदर जो भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम होती है वो नेशन टू नेशन और लोकल टू लोकल कंडीशन के हिसाब से वेरी करती है। अब मान लीजिए इतनी सारी प्रॉब्लम है, मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि आप समझ नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम है नॉन ट्रेडिशनल नोशन के अंदर, ये प्रॉब्लम ढूंढ रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कि ये सारे प्रॉब्लम हैं तो क्या इन समस्या का इजाद नहीं होगा, क्या इसका कोई सलूशन नहीं होगा? ऑफकोर्स वी हैव अ सलूशन, ऑफकोर्स वी हैव अ सलूशन। हमारे पास हर किसी समस्या से लड़ने के लिए क्षमता है, दिमाग है ना। जानवरों में और इंसानों में सिर्फ यही फर्क है और ये फर्क बहुत बड़ा है। So that is why, हमने बताया था कि इसके ऊपर कोई तरीके से ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी की बात आती है, और जब ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी की बात आती है तो यहाँ पे हमें मानव जाति को और पूरी धरती को बचाना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें किसको बचाना है, कैसे बचाना है, क्यों बचाना है, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन की बात है, फिर ग्लोबल सिक्योरिटी है जिसमें कोई तरीके से ग्लेशियर का पिघलना, टेम्परेचर का बढ़ना, बीमारी का आना, बहुत सारी, टेररिज्म एक इसमें से रीजन हो सकता था। उसके बाद हमने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम देख ली थी। उसके बाद हमने कहा था कई बार किसी कंट्री के अंदर बहुत तगड़ी तरीके से मतलब गरीबी भी आ जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था श्रीलंका का, कि श्रीलंका ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, बहुत से लोगों को अपने खुद के देशों से माइग्रेट होना पड़ता है, तो माइग्रेशन प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि कंट्री टू कंट्री ये प्रॉब्लम अलग अलग होती रहती है, इसका कुछ निवारण नहीं है। सो गाइज, इन दिस फोर पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हम फोर्थ पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे अगर किसी कंट्री को ऐसी समस्याओं से, नॉन ट्रेडिशनल नोशन से, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी दोनों के बारे में अगर सोचना है, दोनों के बारे में अगर सोचना है तो उसको कुछ ना कुछ स्टेप निकालने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और जो सोचना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, और हमारी कंट्री भारत ऐसी नॉन ट्रेडिशनल नोशन के लिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या कर रही है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी नहीं है आपको अपने आप से बचाने के लिए, अपने आप से ही आपको सिक्योर होना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डू बेस्ट फॉर देयर बेस्ट। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल्स के दूसरे पार्ट इस वीडियो के दूसरे लेक्चर्स में दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा तो उसे जरूर देखिएगा। एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट द नोट्स ऑफ द PDF फाइल तो जाके ज्वाइन होइएगा टेलीग्राम पे। आप हमारे साथ फेसबुक पेज और टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, उसमें मैं आपको लाइव सेशन में जो भी चीजें होती हैं प्रॉब्लम वो डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं। सो अब यहाँ पे क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल नोशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जरूरी है कि हम गरीबी को मैनेजमेंट करें और उसके बाद जो भी माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, रिफ्यूजेस की प्रॉब्लम है, जो भी एपिडेमिक होता है, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मिलिट्री फोर्स बहुत अच्छे तरीके से बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें टेररिज्म को खत्म करना है, ह्यूमन राइट्स को अच्छे तरीके से बचाना है। इसीलिए आपको पता है कि फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी तरीके से ऐसे इशू को सॉल्व करने के लिए एक साथ आते हैं। तो हमने इसके लिए क्या करा हुआ है, हमने इसके लिए UNO बनाया हुआ है। अगर आपको याद हो 196 कंट्रियां इज द पार्टिसिपेट इन द UNO, और दो ऐसी कंट्रियां हैं जिसके बारे में मैंने बताया था उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें इतने बड़े ग्लोबल इशू जो पूरी तरीके से पूरे नेशंस में पूरे तरीके से एक देश से दूसरे देश में समस्याएं फैलती रहती है, तो ऐसे करने के लिए साथ ही हाथ बढ़ाना मतलब हम सभी को मिलकर साथ चलना पड़ेगा, और जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम को रिस्टोर कर पाएंगे, शॉर्ट आउट कर पाएंगे। इंडिया
ऐसे सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है, मतलब इंडिया अपने क्या कहते हैं सिक्योरिटी स्ट्रेटजी किस तरीके से बना रहा है, तो उसको पता है कि इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है ना उसमें उसने क्या कर रखा है, इंडिया हैज फेस्ड ट्रेडिशनल एंड द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट इनटू सिक्योरिटी दैट हैव एमर्ज विद इन एज वेल एज आउटसाइड इट्स बाउंड्री। तो उसको पता है हमारे उस इंडिया को पता है, मतलब हमारे प्यारे देश भारत को पता है कि उसको इंटरनल प्रॉब्लम भी होती है और आउटर प्रॉब्लम भी होती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए इंडिया ने अपने अपने देश को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले तो उसने स्ट्रेटजी बनाई, उसने फोर कंपोनेंट्स पे काम करा है। उसने कहा हम फोर कंपोनेंट्स में काम करेंगे तो हम आउटर प्रॉब्लम्स और इनर प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ करा, उनको पता है कि यार पाकिस्तान से चाइना से हमारे होते रहते हैं दिक्कतें, तो भाई हमने अपनी आर्मी को मजबूत करा। तो विक्रम बत्रा इज अ ग्रेट हीरो जिन्होंने आपको पता है कि कितना अच्छा काम करा है, बहुत स्टोरी उन पे एक मूवी बन रही है, शेरशाह बन भी चुकी है, कितनी अच्छी मूवी है। तो उसमें दिखाने की कोशिश करी गई है कि पाकिस्तान और चाइना से संघर्ष करने के लिए सिंपल सा अपनी सेना को मजबूत करो, और इसीलिए हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी, जिससे क्या हुआ हमारे देश में थोड़ा सा बेस आ गया। याद करिए मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा न्यूक्लियर टेस्ट किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, एक बार फेल भी हो गया था याद करिए, उसके बाद फेल हुआ तो पास हो गया, तो पास जब हुआ किस टाइम पे हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कौन से प्रधानमंत्री थे, फेल जब हुआ कौन से ईयर में किस टाइम पे हुआ, कौन से प्रधानमंत्री थे, जानना जरूरी है आपके लिए। लेकिन 2014 के अंदर मोदी जी ने एक पॉलिसी बना दी, याद करिए उन्होंने कहा, हमने कहा था कि हम पहले यूज नहीं करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पे, उन्होंने कहा था हम पहले यूज नहीं करेंगे, जिस कंट्री के पास बम नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा हम तो उन पर अटैक करेंगे। लेकिन 2014 के अंदर मोदी जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम रिव्यू करेंगे, हम सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कहा हमारा पड़ोसी मुल्क जो है हम पे कभी भी अटैक कर सकता है, घात लगाए बैठा हुआ है, इसलिए हमें अपनी मिलिट्री को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा हमने कहा हम इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इनके साथ अच्छे अच्छे मापदंड बनाएंगे। तो इसीलिए इंडिया ने हमेशा यूएन का, सार्क का, नेम का, सबका सपोर्ट करा है, और इसीलिए हम इनके साथ हैं। और इंडिया आर्ग्यू फॉर द डिसआर्मेंट इक्वल राइट्स फॉर ऑल नेशन इन इट्स ट्रेड एंड अदर स्फीयर्स, मतलब इंडिया ने हमेशा कहा है कि भैया आप चाहते हैं कि सारे बम खत्म हो जाए धरती से, तो हम तैयार है, हम पहली ऐसी कंट्री होगी जो पूरी तरीके से अपने सारे बम को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन अगर आप सभी राजी हैं तो। और इंडिया ने ये भी कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सभी कंट्रियों को एक जैसा व्यवहार मिलना जरूरी है, इसीलिए हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने संबंध अच्छे बनाए हैं। इसलिए आज के डेट में चाइना, फ्रांस, रशिया इनसे हमारा कोलैबोरेशन ठीक ठाक सा है। और उसके बाद हमने क्या करा, मीटिंग चैलेंजेस विद इन द कंट्री, तो आउटर वाली बात होगी, अगर बाहर की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। विद इन द कंट्री अगर हम कंट्री के अंदर देखें तो सेवरल मिलिटेंट ग्रुप, अब देखिए बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप है, अब बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है, पंजाब में जो खालिस्तान की मांग हुई थी, कश्मीर के अंदर, तो आए दिन हमें मिलिटेंट मारने ही पड़ते रहते हैं। तो ऐसे टाइम टू टाइम स्ट्रगल को देखने के लिए भी इंडिया हमेशा तैयार रहता है। तो जिसका जीता रहता है एग्जाम्पल ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार के बारे में मैं आपको इंडिया वाली बुक जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ब्लू स्टार के बारे में भी आपको जरूर बताया जाएगा कि ब्लू स्टार में क्या प्रॉब्लम हुई थी, वहां पे क्या दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को, जर्नैल सिंह भिंडरे वाले को क्या कहते हैं स्वर्ण टेम्पल के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर ही मारना पड़ गया था। बहुत सारे रीजन है तो वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने इंटरनल चैलेंजेस को भी सॉल्व करने के लिए अपनी कंट्री के अंदर यहाँ पे मिलिटेंट जो ग्रुप होते हैं इंडिया के अंदर उनको खत्म करने के लिए भी इंडिया तत्पर तैयार रहता है, इसलिए वो अपनी आर्मी को बहुत अच्छा बना के रखता है। और उसके बाद उसके कंट्री के अंदर, भारत के अंदर कोई इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए इंडिया अटैम्प्ट टू डेवलप इकोनॉमिक टू एरिडिएट प्रॉपर्टी एंड रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसलिए समय समय पे इंडिया जो है क्या कहते हैं अपने डेवलपमेंट का उन्मूलन करता रहता है, देखता रहता है कितना डेवलप हुआ है, कितना डेवलप नहीं हुआ, किस चीज पे काम करना चाहिए, किस चीज पे काम नहीं करना चाहिए, और उन्होंने इनइक्वालिटी को खत्म करने के ऊपर फोकस करा है, इसलिए सरकार हर साल 5 ईयर प्लान को लाते रहती है। तो 2021 के अंदर मोदी जी ने हर 5 ईयर प्लान के अंदर किसी ना किसी चीज के ऊपर फोकस किया है, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि सरकार ऐसी चीजें क्यों करती रहती है, ठीक है। तो इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, और आप पूरी बिंदास रहिए, चैप्टर खत्म है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।